हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेकंड डे है आज हमारा जिम कॉर्बेट में। तो थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं, जंगल सफारी के लिए जाएंगे हम लोग और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पहले भी आई थी जिम कॉर्बेट, तब उस टाइम पे हमने जंगल सफारी नहीं की थी क्योंकि टुकू बहुत छोटा था, लेकिन इस टाइम हमने सोचा कि अब करके ही जाते हैं और बस वेट कर रहे हैं। भैया का कॉल कर रहे हैं पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, रिसेप्शन पे जाते हैं और देखते हैं। कितने की है भैया? 200। देखो डियर दिख रहा है। और भी दिखेंगे आप। इसके मुंह साथ वाले भी दरी के आसपास में झाड़ी है। ये तो खुले एरिया में इसलिए हमें दिख रहा है। ओपन में घूम रहा है यहाँ। वही तो, डर भी नहीं लग रहा इसको। ओपन में ही घूमते हैं, बड़ी अकेला नहीं होगा और क्या, और शिकार ना कर ले कोई इसका। अंदर होंगे ना इसके, ओपन में इसलिए रहते नहीं ज्यादा। हां नजर थोड़ा दूर तक पड़े। वाइल्ड लाइफ में एक चीज जो होती है पेड़ में मेल। अच्छा बाजू में तो है, बाजू में ही है, पता करना पड़ता ना, डिवोर्स में जाते। अच्छा इनके भी डिवोर्स होते हैं। देखो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला उसका मेल वाला ज्यादा सुंदर है ना, बट उसमें मेल ही सुंदर होते हैं, जस्ट अपोजिट ह्यूमन बीइंग्स होता है ना। अच्छा वाइल्ड में मेल ही सुंदर। मेल की सेंटीमेंट्स के साथ आपने फ्रेश हो एकदम, बाहर सारे बैठ जाते हैं जो भी नाला जो इतना है कैसा करते हैं, पहले कभी नहीं देखा। वापस निकल रहे हैं होटल के लिए एंड हमें क्या दिखा, डियर, पीकॉक और कुछ बर्ड्स, दैट्स इट। सांभर हाँ, डोसा। हाँ भाई, कैसी
Hi guys, welcome back. So, अभी तक की जर्नी का मैं अपडेट आपको दे देती हूँ. कल सुबह हम लोग चेक इन किया था हमने इस होटल में. इस होटल का नाम है समर ग्रैंड रिसोर्ट. यहाँ हमने चेक इन किया था 12:01 बजे के अराउंड. तो चेक इन करने के बाद होटल में ही लंच किया, देन हम दोनों ने थोड़ा रेस्ट किया. शाम को होटल में ही लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम था, तो वही इंजॉय किया, जहाँ मैंने गाना भी गाया है पहाड़ी गाना. तो मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगी वहाँ की. उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर किया एंड देन हम सो गए. सुबह 5:30 बजे की हमारी जंगल सफारी की बुकिंग थी, तो हम लोग जंगल सफारी के लिए निकले. तो जिम कॉर्बेट से आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग सारे के सारे स्विमिंग पूल में चले गए. वहाँ हमने बहुत टाइम बिताया स्विमिंग पूल में, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे ये लड़का नहाया है. इसको बोला बाहर निकलो, नहीं निकला और अभी देखो कैसे सोए. पूरा एकदम बेहोश होके सो रखा है, लंच वंच करके सोया है और शाम हो चुकी है और अभी चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय ऑर्डर करती हूँ. सुबह हम लोग सोच रहे हैं गर्जिया माता मंदिर जाएंगे. मैं 2019 में भी आई थी, तब भी गई थी वहाँ. आपको मैं ये रूम भी दिखा देती हूँ एक बार. सो ये है रूम 114. यहाँ से एंट्री करेंगे. एंट्री करने के बाद यहाँ पे ये है मिरर. उसके बाद यहाँ पे है बेड, एक काफ़ी ह्यूज साइज का बेड है और यहाँ पे डुगू सोया हुआ है एकदम. और ये बेड के पीछे पत्थर जो है ओरिजिनल पत्थर वाला काम करवा रखा है. एंड देन यहाँ पे जाता है वॉशरूम सामने ही. ये वॉशरूम एंड इट्स मी. यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं स्विमिंग पूल वाले. उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये है टीवी यूनिट. यहाँ पे एक अलमीरा दे रखी है और यहाँ पे गद्दे वद्दे एक्स्ट्रा बेड वगैरह है. यहाँ पे एक टेबल टाइप सॉर्ट ऑफ है सामान रखने के लिए, चेयर. यहाँ पे भी सब जगह कपड़े रखे हुए हैं और ये एक एक्स्ट्रा बेड है यहाँ पे इस साइड जहाँ पे हमारे लगेज पड़ा हुआ है. तो ये है एक विंडो, यहाँ से एक विंडो वहाँ पे है पीछे. सो यस, दिस इज आवर रूम. एंजॉय कर रही हो. सो गाइस, ये है रात का व्यू एंड वो है हमारा रूम 114. डुगू सो रहे हैं और यहाँ काफी सारी फैमिली बैठी हुई है. Gangnam Style.